शाबाश, सलाम अलैकुम। 15,000 की रेंज में कोई मोबाइल है? कौन सा? वीवो है, Y83 है, Y85 है। अच्छा, Y85 भला करे भला। क्या स्पेक्स है Y85 की? हाँ, इसकी है 4/64 ड्यूल सिम है। इधर सलाम अलैकुम। 15 की रेंज में कौन सा मोबाइल? कौन सा? क्या स्पेक्स है इसकी? 4/64 कैमरा कौन सा? 13 मेगापिक्सल। अपग्रेड हो गई है? नहीं, अक्सर एक ही मोबाइल मिला होता, वीवो Y83, 84, 85, 86 यही मोबाइल मिल रहे थे। 4/64 की उनकी स्पेक्स थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको लेकर आए हैं स्टार सिटी मॉल और इसका विजिट भी कराएंगे आपको, और 15,000 की रेंज में जो मोबाइल मिलेंगे उसके बारे में मालूमात करेंगे, और आखिर में हम आपको इंशाल्लाह इस विज़िट का नतीजा बताएंगे, और वो ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है बिल्कुल सो स्टार सिटी से। ठीक है, तो ज्वाइन रहिए। सलाम वालेकुम। 15,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल है? पंद्रह हज़ार की रेंज में कौन सा मोबाइल? वीवो भी मिल जाएंगे सर, Y83, Y81, Y82 दिखाए। Y81, Y83, Y85 तीनों मॉडल हैं। क्या है स्पेक्स इनकी? 464 है तीनों। दिखाएं, एक निकाल के दिखाएं। ₹4/64 है। कैमरा कितना है? 13 मेगापिक्सल। और फ्रंट का? 8। कितने का पड़ेगा ये? 14,000 का पड़ेगा। और 20 तक की रेंज में? 20 तक की रेंज में कौन सा मिलेगा? 20 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा हवावे का नंबर 2 प्लस मिल जाएगा 4100। दिखाएं ज़रा वो भी, निकाल के दिखा दो। ये अपग्रेड अपग्रेड हो जाते हैं? अभी 1 पॉइंट पर है, 9 पे चले जाएगा। क्या इसकी क्या स्पेक्स है? 4/128। अच्छा, 6/128 में नहीं मिलेगा? 6/128 में स्टार्टिंग 25,000। वो कौन सा है? वो कौन सा बेटा? ओप्पो का इसके आखिरी क्या हो जाएंगे? इससे कम नहीं होंगे? क्या बात कर रहे हैं?
घर जा बेटा घर जा, शाबाश, सलाम अलैकुम। 15,000 की रेंज का कोई मोबाइल है? कौन सा? वो टू है, वाई टू 3 है, वाई टू 5 है। अच्छा, वाई 85। भला भला करे भला, क्या स्पेक्स है वाई 85 की? हाँ, इसकी है 4,64। ड्यूल सिम है इधर। अरे बेटा, तू वाशरूम में जाता है कि कहाँ जाता है? और 20 की रेंज में? 20 से थोड़ा ऊपर है ये मिलेगा। कौन सा? 15 दिखाया जरा। दिखाएं, ये दिखाएं, दिखा बेटा, ये निकाल दे। इसका कैमरा कितना है? 16-8। ये अपग्रेड हो जाएगा? कंपनी नहीं तो होगा। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 10% चल रहा है। अच्छा, 6,128 है। इसके आखिरी कितने हो जाएंगे? 15 एस देखता हूँ यार, 15 की रेंज में देख रहा हूँ। सलाम वालेकुम। 15 की रेंज में कौन सा मोबाइल है? कौन सा? क्या स्पेक्स है इसकी? 4,64। कैमरा कौन सा? 13 मेगापिक्सल। अपग्रेड हो गई है? नहीं, 2.0.1। 20 तक की रेंज में? 20 तक की रेंज में थोड़ी रेंज मिलेंगे, चीज मिल जाएगा। कौन सा ही? F11 Pro। ये क्या स्पेक्स है इसकी? 4,128। और कैमरा कौन सा? कैमरा 48 मेगापिक्सल। आखिरी क्या हो जाएंगे इसके? 23,500 से कम नहीं होगा। 23 में ले ले, चलें देखता हूँ। طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا। मार्केट में भी वही चीज़ें पहले भी होती है, इसका स्टॉक एक आदमी के पास होता सबके पास वही होता। 15 की रेंज में वही मोबाइल मिलेंगे जो हमने अभी देखे। इसके अलावा चले भारत कंक्लूजन निकालेंगे। Thank you.
कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने सर हम बाद में बताएंगे, आप नहीं कर सकते भेड़ इतनी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। यह है स्टार सिटी मॉल, कई राज इसके जो आपको हम बताएंगे। क्या करना चाहिए देखते हैं। मौसम आप देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं और देखें अल्लाह की रहमत कब बरसती है। बहरहाल हमने व्लॉग किया था स्टार सिटी मॉल का। स्टार सिटी मॉल में हमने ये सर्वे किया था कि 14,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल जो है वो अवेलेबल है। तो वहाँ ज़्यादातर जो है दुकानों पर अक्सर एक ही मोबाइल मिला होता, वीवो Y83, 84, 85, 86 यही मोबाइल मिल रहे थे। 4/64 की उनकी स्पेक्स थी, लेकिन ये मोबाइल देखने में तो आपको वाटरप्रूफ लगेगा, वो कहते भी वाटरप्रूफ है। ये मोबाइल जो है ना जितने 14,000 की रेंज में, इसके अलावा भी दीगर ब्रांडें थी, तो इसमें कुछ मसाइल हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अपडेट नहीं होंगे ये, अब जब अपडेट नहीं होंगे तो फिर स्लो होंगे जाहिर सी बात, और कई एप्लीकेशन इसमें चलेंगी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि इनकी लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ इतनी नहीं है कि ये ज़्यादा से चल सके। और जो है ना मेरा अपना पर्सनली यूज़ में भी था एक मोबाइल, घर के लिए रखा था मैंने, तो उनकी लाइफ इतनी है नहीं, बहुत कमज़ोर से होते हैं। तो ये इसमें है मसाइल, और ये रिफर्ब मोबाइल होते हैं, फैक्ट्री फिटेड नहीं होते, ये रीअसेंबल हुए हुए होते हैं, दोबारा से इनको फिट किया जाता है लेकिन मशीनों के ज़रिए किया जाता है। ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ का तिगड़ा में, क्योंकि मोबाइल तो कंपनी ने बहुत पहले ये बंद कर दिए थे, तो मेरे ख्याल में ये मोबाइल सही नहीं है। आज इनकी रेंज नहीं है इतनी और वो यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा एक्सपेंस इनके पास नहीं है, तो फिर तो सही है, चले फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, चला ले आदमी। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये मोबाइल अगर थोड़े पैसे हों तो सही ले ले आदमी, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि डब्बा पैक मोबाइल ले लें। डब्बा पैक मोबाइल लेंगे तो वो फैक्ट्री फिटेड होगा और वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ थी गुजारिशात जो मैंने आपको बता दी, मैं भी कुछ इस फील्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड हूँ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। तो इनकी लाइफ नहीं होती, स्लो होते हैं ये, ठीक है, और अपडेट नहीं होते ये। तो अगर आप देख रहे हैं इन बातों को सुन के समझ के, वो दुकानदार तो यही बोलेगा कि जनाब वाटर पैक है और ये है और वो है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में तो चोर की 14 नजर हैं। तो आप देख लें इसको, अगर आपको समझ में आता है तो ले लें, मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल से ये मोबाइल सही नहीं है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।